खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है, किसको लेकर? बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह रेड कैटेगरी का अलर्ट जारी किया, यानी कि भारी से अति भारी बारिश का यह अलर्ट होता है, रेड अलर्ट। 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए ये अलर्ट जारी किया है, यानी भारी से अति भारी बारिश यहां पर हो सकती है। और भारी बारिश से कुछ जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खबर जो है वो हरदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। कुछ जिलों में सीहोर और हरदा में स्कूलों में अवकाश का ऐलान करना पड़ा है और कल सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। सीहोर में भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से हालात यहां पर बदतर हो चुके हैं और इसीलिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में, तो दूसरी तरफ अत्यधिक बारिश के कारण जिले में संचालित सारे शासकीय अशासकीय विद्यालयों में 3 तारीख को छुट्टी की बात कह दी गई है। हालात आप देख सकते हैं कैसे यहां पर बने हुए हैं। हरदा और सीहोर दोनों जिलों में नदी नाले पूरे उफान पर नजर आ रहे हैं। सीहोर और हरदा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं इसे कितनी क्या स्थिति अभी बनी हुई है, जो इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे। सुकमा से खबर है, सुरक्षा बलों को यहां पर कामयाबी मिली। 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और 5 में से 3 महिला नक्सली बताई जाती है। मुख्यधारा में लौट आए, आत्मसमर्पण किया। चिंतलनार इलाके में ये सक्रिय बताए जाते। सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। एक ग्रामीण की हत्या में शामिल नक्सली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 सालों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और अब पुलिस को कामयाबी मिली। भेजी थाना इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सतीश शांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, बड़ी खबर, भेजी थाना इलाके से गिरफ्तारी हो गई, 2 साल से फरार चल रहा था। जी, आपको बता दूं कि जो है पिछले 2 साल से फरार चल रहा था और 2 साल पहले एक घटना में ग्रामीण की हत्या में ये शामिल था, जिसके बाद जो है पूरी लगातार जो है तलाशी ले रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल में छिपा होने का जो है बचा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस ने अभियान छेड़ा है, ऐसे ही वारंटी नक्सली और प्लान नक्सलियों की तलाशी जो है पुलिस लगातार कर रही है। आज जो है ये नक्सली गिरफ्त में आया है और पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से जेल भेजा गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर की बात करेंगे। कलेक्टर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर 4 आदतन बदमाशों को जिले से बाहर कर दिया गया, यानी जिला बदर कर दिया गया है। 5 जिलों से बदमाशों को बाहर किया गया है। एसएसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने एक कार्रवाई की है। कौन कौन से बदमाश हैं? फरीद खान, राजेश्वर, यासीन जिला बदर किए गए। इधर बिलासपुर के रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 2 गुटों में मारपीट हो गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। मारपीट की वारदात को लेकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। बाद में डॉक्टर ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर छतरपुर की बात करेंगे, जहां पर बुजुर्ग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गोली मारकर जान ले ली गई। कई राउंड फायर किए गए और पुरानी रंजिश के पीछे बताई गई। बुजुर्ग की जान जो ली गई, हत्या तो की गई पुरानी रंजिश के चलते। 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। घटना से इलाके में दहशत है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भमीठा थाना इलाके के
भियाताल गांव की यह घटना। और इंदौर से खबर है जहां पर दिन दहाड़े 35 लाख रुपए से ज्यादा की लूट कर ली गई। बाइक सवार तीन बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से यह लूट की वारदात हुई है। सीसीटीवी सामने आया है जिसके आधार पर अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी है स्कीम नंबर 78 में, उनका एक कर्मचारी अपना कुछ पैसों से रुपयों से भरा हुआ एक बैग लेकर के अपने घर जा रहा था और बीच में तीन बाइक सवार लोगों ने उसको रोका है और बैग छीन लिया गया। और पुलिस ने अभी इसमें आसपास के जो चेकिंग पॉइंट्स को भी लगाया है, कई टीम्स को एक्टिवेट किया है। अज्ञात आरोपियों की अभी जो पतासाजी की जा रही है। गरियाबंद में तीन दंतैल हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। फिंगेश्वर इलाके के गनियारी गांव के पास ये हाथी आसपास विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और घरों की छत पर लोग अब रहने के लिए मजबूर हैं डर के साए की वजह से। कभी हाथी आए तो हमला ना कर दें इस वजह से लोग घरों की छत पर रह रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। धान की फसल को भी हाथी खासा नुकसान पहुंचा रहा है। दंतैल हाथी का आतंक जारी है। फिंगेश्वर क्षेत्र के गनियारी में तीनों दंतैल हाथी मौजूद है। ग्रामीणों में दहशत है और इस वक्त हाथी जो है फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ दूर पर हाथी है और यहां पर देखिए कि वन जो अमला है लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, लगातार हाथी आ रहे हैं, किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बतावे उनके बारे में जी, वो तो नुकसान तो हर साल करते हैं। कितना दहशत बना हुआ है ग्रामीण? बहुत ज्यादा। हाथी जो है कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी कहाँ है हाथी? अभी निवार में सामने है। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और वन अमला यहाँ पर जो मौजूद है लगातार लोगों को अलर्ट और सतर्क कर रहे हैं। हाथी ठीक कुछ दूरी पर मौजूद है और हाथी जो है फिंगेश्वर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। कल जो है छुरा मार्ग पर काफी ज्यादा आतंक मचाया, दो घंटे तक जाम रहा और अब जो हाथी है ये बेहद करीब गनियारी के पास है और इससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत है और इस दहशत के बीच ग्रामीण जो है रसजगा भी करने के लिए मजबूर है और वन अमला जो है लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इधर इंदौर से खबर आपको बताएंगे जहां पर बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 से 4 दुकानों में ये ट्रक घुस गया। ट्रक बेकाबू था और एक महिला को उसने रौंद दिया। अब महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक निरंजनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर अनियंत्रित बेकाबू ट्रक 3 से 4 दुकानों में घुसता चला गया। महिला को अपनी चपेट में उसने ले लिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर छिंदवाड़ा की बात करेंगे जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने PIU के ठेकेदार से रिश्वत लेते उपयंत्री हेमंत जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह उपयंत्री ठेकेदार से बिल जमा करवाने और मूल्यांकन करने के एवज में 55,000 रुपए मांग रहा था। इसकी शिकायत आवेदक ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस में की थी। पुलिस ने पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद जाल फैलाया, ट्रैप बनाया और इसे रिश्वत के 30,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उधर श्योपुर जिले में फर्जी तरीके से चल रहे मदरसे बंद होने के बाद मुरैना में फर्जी मदरसे का मामला सामने आया है जहां पर ज्यादातर मदरसे सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों के अलावा हिंदू बच्चों की भी समग्र आईडी चोरी करके दाखिला दिलाकर अनुदान का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बता दें कि 2015 में मुरैना जिले भर में 82 मदरसे संचालित किए जाते थे लेकिन कुछ मदरसे बंद हो चुके हैं।
मौजूदा वक्त में जिले भर में 69 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मदरसे धरातल पर ही नहीं। मदरसों के जिला प्रभारी रहमान खान का कहना है कि ज्यादातर मदरसे अब बंद होने की कगार पर हैं। मेरे बच्चे नहीं पढ़े साहब, मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैंने मदरसे देखा ही नहीं है अभी तक, बताऊँ ना, मदरसे में जाते हैं यही नहीं है, मदरसे देखे यही नहीं है। वैसे ही मौलाना वगैरह वैसे ही पढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत मोहल्लों में। कागजों वाले बंद हो गए, 82 मदरसे थे जिस वक्त मैं 15 में था, उसके बाद आज की स्थिति में केवल और केवल 69 रह गए हैं। उनमें से भी लोग कुछ बंद करने जा रहे हैं, मेरे पास सूचना भी मिल रही है कि शर्म बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि आज 7 सालों से हमें एक पैसा मिला नहीं है शासन से, शासन कुछ मान्यता दे नहीं रहा है, कोर्ट में भी गया, उनका 7 साल का पैसा भी रफा दफा कर दिया गया है। और खबर रेवा से, जहां पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवक पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपी दबोच लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई को रानी तालाब निवासी विशाल शिल्पकार को आरोपियों ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर बुलाया और उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। घायल विशाल शिल्पकार की हालत अब भी गंभीर है। सिटी कोतवाली पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। विशाल शिल्पकार को सोहेल और अमन सोंधिया और उसके साथियों ने जो है वहां पे चाकू के द्वारा गंभीर रूप से मारकर घायल कर दिया था, जिस पर हमने आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। और मुख्य आरोपी सोहेल और अमन सोंधिया, ये दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे मुरैना की, जहां पर बोरिंग का पानी खेत में जाने को लेकर एक ही परिवार की 4 महिलाओं में लाठियां चल गई। चारों महिलाओं के बीच इस कदर लाठियां चली कि चारों मौके पर बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस चारों घायल महिलाओं को इलाज के लिए पोरसा अस्पताल लाई, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने भी महिलाओं की फरियाद पर मामला दर्ज कर लिया। कहीं ना कहीं कोई नहर का पानी खेत में जाने को लेकर के विवाद हुआ था, उसमें महिलाएं, दोनों पक्ष से महिलाएं ही आपस में लड़ गई थी और उसमें से अपराध कायम, उसमें पुरसा थाने में कर लिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर चलना नामुमकिन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई इलाकों में सड़क से बत्ती गुल है, कई जगह सिग्नल भी नहीं है, तो कहीं इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि सड़क ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। ऐसे में आए दिन यहां पर सड़क हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। अगर आपको शाम होने के बाद भोपाल की सड़कों पर बाहर निकलना है तो आप अपने घर से लालटेन लेकर निकलिए, टॉर्च लेकर निकलिए, लाइट लेकर निकलिए। आप सोच भी रहे होंगे कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, मैं तो इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भोपाल की सड़कों पर खुलेआम हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। हाल ही में भोपाल में एक बड़े हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जान चली गई। ये सड़क हादसा था। इस तरीके के हादसे रोजाना होते हैं जिसमें कई लोग घायल होते हैं, चोटें आती हैं और कई बार जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद ना तो भोपाल की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जल रही है, ना तो भोपाल की सड़कों के गड्ढे ठीक हो रहे हैं और ना ही लेफ्ट टर्न चौराहों पर क्लियर हो रहे हैं। कई जगहों पर सिग्नल तक नहीं है और ये तमाम चीजें हादसों को खुला निमंत्रण देती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मौतें अगर रिपोर्ट की माने तो सड़क हादसों में ही होती है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, ट्रैफिक रूल के पालन कराने को लेकर शासन प्रशासन की कोई बहुत ज्यादा सजगता नजर नहीं आती और ये तमाम सारी चीजें राजधानी भोपाल में मुसीबत का सबब बनी हुई है। मनीष, अब आप लाइट ऑन कर दीजिए, क्योंकि उजाले में हम शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया इस स्थिति पर आप ध्यान दें, संज्ञान लें और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सके इस और कुछ प्रयास करें। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह भोपाल पहुंचे। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान रोहित सिंह ने कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और युवाओं में देशभक्ति का अलख जगाया जाएगा। इस दौरान रोहित सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी जाति पूछी गई तो हंगामा करने लग गए। युवा तो केंद्र में होना ही ना चाहिए, जो देश युवा हो,
जिस देश में श्रम शक्ति के रूप में नौजवानों की संख्या बहुतायत हो, हमारी आबादी 65% से ज्यादा है, तो क्यों नहीं युवा केंद्र में होगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी नौजवानों के प्रगति के लिए, भारत माता के वैभव की वृद्धि के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों के श्रम शक्ति के बल पर हमें चाइना और अमेरिका को पछाड़ कर 2047 तक भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है। भारत माता के झंडे को दुनिया के मानस पटल पर सबसे ऊपर लहराना है, तो भारत में नौजवानों की बात क्यों नहीं होगी? भाई, नौजवान ही तो देश को परिवर्तन के मोड में ला सकता है। और उधर जशपुर से भी एक वीडियो सामने आया, उसकी अब बात कर लेते हैं। ढेंगूर जोर नाले को पार करते हुए समय ड्राइवर ने बड़ी लापरवाही बरती। स्कूली बच्चों से भरी हुई बस को ड्राइवर ने पार करा दिया, जबकि नाला उफान पर था। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और इस बीच कांकेर के कोयली बेड़ा से जान जोखिम में डालने का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एनीकट डैम को लोग पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, और ऐसे में राशन के लिए लोग जब कोयली बेड़ा बाजार पहुंचे तो कई लोग घर जाने के लिए एनीकट डैम पार करते हुए नजर आए। ये खतरनाक है और कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ता इन लोगों के सामने होता नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर पैर फिसला तो जान जाने तय। उधर धमतरी में गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोलने पड़े। गंगरेल बांध में बारिश के बाद लगातार पानी बढ़ रहा था और बांध करीब 84% भर गया था, और ऐसे में गेट की फंक्शनिंग को जांचने के लिए सभी 14 गेट खोले गए। हालांकि बांध से छोड़े गए पानी को रुद्री बैराज में रोक लिया जाएगा और पानी को फिलहाल महानदी में नहीं छोड़ा जाएगा, लिहाजा महानदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कवर्धा जिले में नलजल योजना के काम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। यहां पर बारिश के बीच पानी की टंकी की ढलाई का वीडियो सामने आया है। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन ठेकेदार ने एक ना सुनी और मनमानी करते हुए बारिश के बीच ढलाई का काम शुरू कर दिया। सही तरह से ढलाई नहीं होने पर टंकी में लीकेज आ सकता है और इसका खामियाजा तो ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा। और आइए अपने